बच्चे कितनी खुशी से खेल रहे हैं, इन्हें देखकर अपने बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, है ना? ऐसा लगता है कि बचपन के दिन फिर लौट आए। लेकिन क्या इन बच्चों की मुस्कुराहट इनके चेहरों पर हमेशा ऐसी ही बरकरार रहेगी? क्या सच में इन बच्चों का भविष्य ऐसे ही हमेशा खुशहाल रहने वाला है? आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों हम इन बच्चों की खुशियों को नजर लगा रहे हैं। सवाल तो बहुत उठ रहे होंगे आपके मन में। आप सबके इन सवालों का जवाब आपको कुछ समय में ही मिल जाएगा, लेकिन आपसे हमारा अनुरोध ये है कि आगे आने वाले इस विषय की गंभीरता आप खुद समझिए और आपके निकटजन तथा परिजनों को समझाइए। फिर आप जान लीजिए क्यों हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति चिंता जता रहे हैं। दरअसल ये बच्चे थैलेसीमिया नामक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से अनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस बीमारी की वजह से शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में थैलेसीमिया रोग होने पर दिखाई देते हैं। शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट हो जाती है। रक्त की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, परंतु बार बार रक्त चढ़ाने के कारण रोगी के शरीर में अतिरिक्त लोह तत्व जमा होने लगता है, जो हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंचकर प्राण घातक हो जाता है। इस रोग का फिलहाल कोई पुख्ता इलाज नहीं है, सिवा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही खर्चीला इलाज है और इसकी कामयाबी की संभावना भी बहुत कम होती है। थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में काफी बाहरी रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है, इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते, जिससे 12 से 15 वर्ष की आयु में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सही इलाज करने पर 25 वर्ष और इससे अधिक जीने की आशा होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, रक्त की जरूरत भी बढ़ती जाती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस जानलेवा बीमारी के बारे में कोई जागरूकता नहीं है। जागरूकता के अभाव से भारत में तकरीबन 10 लाख बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं। श्रीराम प्रतिष्ठान आप सभी से अनुरोध करता है कि आज के बाद आपके जीवन में एक उद्देश्य रखिए, ज्यादा से ज्यादा इन पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान कीजिए। इस जानलेवा बीमारी के बारे में समाज में जागरूकता फैलाइए। शादी से पहले लड़के लड़की का कुंडली से कहीं अधिक जरूरी है उनकी थैलेसीमिया जांच करवाना, क्योंकि अगर लड़के लड़की दोनों थैलेसीमिया ग्रसित होते हैं तो उनकी संतान के भी थैलेसीमिया ग्रसित होने के आसार अधिक रहते हैं। श्री राम प्रतिष्ठान शत शत नमन करता है समाज के उन वीरों को जो नित्य रक्तदान करते हैं और इन बच्चों को जीवन दान देते हैं। चलिए गणपति बाप्पा को नमन करके हम थैलेसीमिया के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ते हैं। हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे, हम रक्तदान करेंगे, सभी बच्चों का भविष्य
उज्जवल बनाए। गर्भवती बापा मोरिया। जरा जास्त आहे बाहेर।